और माँ की नजर में हम सब बच्चे ही रहते हैं, इस हिसाब से सारी शादियां इलीगल हुई कि नहीं? अब मेरा सवाल ये है कि आपके 25 के बहुत देरी है नौकरी लगती है, माँ में अचानक ये बहू की इच्छा क्यों जागी? अब जवाब का तो पता नहीं पर सवाल तो जाएगा, आखिर क्यों? कहती है सब करते हैं तू भी कर, बस यूं। अच्छा माँ ये बता, सब कुएं में कूदेंगे तो तू भी कूदेगा, तेरे उस डायलॉग का क्या हुआ? और भूल गई बहू के आगे तेरे उस एकता कपूर वाले सीरियल में माँ का क्या हुआ? जब तुझे लग ही रहा कि सास बनने की तेरी उम्र हो चुकी तो मेरा क्या जाता, जा रिश्ता ले आ। पर तुझे सच में लगता है दूसरे घर की कोई लड़की मेरा ख्याल तुझे भी अच्छे से रखेगी? घर के कागज, किराने का हिसाब और वो दादी वाले कंगन भी अच्छे से रखेगी? अगर हाँ तो फिर ठीक है, जा मेरा रिश्ता ले। तुझे याद है तू कितने शौक से मेरे लिए खाने बना लाती थी और नहीं पसंद आने पे तुरंत कुछ नया बना लाती थी? अगल बगल छोड़, जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो रूम से भी नहीं निकलती थी, रग रग से वाकिफ थी ना तू, कहाँ मामूली छींक से सहम जाती, कहाँ स्कूल के वक्त तुम बाल्टी पर आंसुओं से भी नहीं पिघलती थी। वो जो सो पर बहुत उलाने की सोच रही, नहीं अच्छा पकने पर दूसरा छोड़, मैगी के अलावे कुछ और बनाना आता होगा? चल कभी कभी तो मैं भी बना लूंगा, पर मेरे भूखे होने पे उसे भी वो लाडले ने नहीं खाए वाला सिग्नल जाता होगा, मुझे तो नहीं लगता है। अगर देख पाएगी वो भी मेरे हंसी के पीछे छुपे आंसू और उसके सामने भी नहीं चलेगा नहीं नहाने का बहाना, तो फिर तुझे और क्या चाहिए, जा मेरा रिश्ता ले। अपने विराट कोहली की परफॉर्मेंस कितनी कंसिस्टेंट रहती है, पर सच कहूँ तो उसकी एवरेज भी तुझसे कम ही होगी। कितना भी गुड नाइट बाबू शोला हुआ हो फोन पर, उन सब की काउंटिंग तेरे बेटा खाना खा लिया से ऑलवेज कम ही होगी। चाहते क्यों है तू एक्स्ट्रा टेंशन अपने सर पर, डॉगी अडॉप्ट कर लेते अगर बहू भी क्यों? जब शर्मा आंटी अपने बहू की शिकायत करती है तो तुझे टॉपिक नहीं मिलता इसलिए, या तू अपने बेटे से इरिटेट हो चुकी है अपना बोझ किसी और के सर डालना चाहते इसलिए? यार एक डायलॉग होता है, शादी ऐसी लड्डू जो खाए वो पछता है जो ना खाए वो तो शादी करनी है, बट उम्र देके शादी करनी तो वही बात हुई ना, चाय गर्म हो गया उतार लो। अरे भाई थोड़ा अदरक मिल ले, दो इलायची और चाय खुद बोलेगा नॉक नॉक अब उतार। तो शादी करनी है बट फिलहाल अभी कोई नौकरी मुझे जस्ती नहीं, तो अभी सही हुनर तो है मुझे पहचानना, थोड़ा बजट में जिया हूँ तो कमा के अभी खुद पे उड़ाना। वो लड़कियाँ जो स्कूल में चोमू समझ के भाव नहीं देती है क्या होता है हमने बताना, और वो जो जिसके पप्पा नहीं मान रहे उसके वाले से ज्यादा कमा कर उसी बाप को दी। सारे दोस्त डायपर की शॉपिंग करने जाए तब शेरवानी सिलवाने है जाना, और उस समय भी कोई 300 लोगों का भोज नहीं, कम से कम 30 गांव में भंडारा है। तो अभी तो अपनी रिटायरमेंट पोस्टपोन कर और अपनी दुआओं को बोल मुझे कुछ और दिन बुरी नजर से बचाना। अंत में माताओं एवं बहनों सविनय निवेदन यही है, फिलहाल मेरा रिश्ता मत।